मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एमसीसी का एक्सपेक्टेड काउंसलिंग शेड्यूल क्या रह सकता है, क्या स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल रह सकता है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है जो आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 22 यानी कि 22 अक्टूबर तक नीट का रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है 23 भी हो जाए, ये तो हम आशा कर रहे हैं कि 22 तक ये जरूर आ जाना चाहिए। अगर ये 22 तक रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल रहता है, एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल रहता है उसमें सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का हम अगर मानते हैं इसमें कि अगर 22 को रिजल्ट आ जाता है तो ये 27 अक्टूबर तक इसका शेड्यूल आने की संभावना है। 27 अक्टूबर तक इसका शेड्यूल आ सकता है। और जो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 27 को अगर इसका शेड्यूल आता है तो 1 नवंबर के नियर बाई स्टार्ट होने की संभावना है। अगर ये 1 नवंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो 7 डेज के लिए होता है। तो हम मान लेते हैं कि 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं एमसीसी के फर्स्ट राउंड के लिए। जब 7 नवंबर तक होंगे तो उसमें 2 दिन का समय लिया जाता है रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो हम यहां मान लेते हैं कि जो रिजल्ट प्रोसेसिंग है वो 9 नवंबर तक हो सकता है और 10 नवंबर तक इसका जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर तक डिक्लेयर हो सकता है फर्स्ट राउंड का। फर्स्ट राउंड का जब 10 नवंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो ज्वाइनिंग के लिए 7 डेज का टाइम दिया जाता है। जब 7 डेज का टाइम दिया जाता है तो हम यहां मान लेते हैं कि जो फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग होगी वो 17 नवंबर तक होगी। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 17 नवंबर तक इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है फर्स्ट राउंड की, एमसीसी के फर्स्ट राउंड की। इसी बीच स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाएगा। इसी बीच जैसे ही एमसीसी की ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी स्टेट का फर्स्ट राउंड, इसके नियर बाई रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा स्टेट के फर्स्ट राउंड का। तो ये तो हो गए एमसीसी का फर्स्ट राउंड और स्टेट का फर्स्ट राउंड। एमसीसी के फर्स्ट राउंड के बाद ही स्टेट का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो इनको आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। अब हम यहां पर बात करें सेकेंड राउंड की, एमसीसी के सेकेंड राउंड की हम बात करें यहां तो 17 नवंबर तक यहां ज्वाइनिंग टाइम रहेगा फर्स्ट राउंड का। अगर इसको हम 17 नवंबर तक मान के चलते हैं तो 5 डेज या 7 डेज का समय देते हैं ये ज्वाइनिंग के बाद में कॉलेजेस को, वो अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके एमसीसी को सेंड करते हैं किन किन बच्चों ने ज्वाइन किया है, किन किन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो हम मान लेते हैं कि ये 22 नवंबर तक हो सकता है, 22 नवंबर तक ये हो सकता है। अब ये 22 नवंबर के बाद इसका शेड्यूल स्टार्ट हो सकता है सेकेंड राउंड का। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पॉसिबिलिटी है, पिछले साल के शेड्यूल के मुताबिक ये हम आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं कि ये क्या हो सकती है। अभी सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें भी 7 दिन का टाइम दिया जाता है।
तीन दिन का टाइम दिया जाता है रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए, दो दिन का रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए, एक दिन का रिजल्ट आने के लिए, और फिर इसमें सात दिन का फिर ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो यहाँ इसमें मैनुअली जो सेकंड राउंड में है पांच दिन का समय दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि 27 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन एमसीसी का होता है, इस राउंड में भी होता है सेकंड राउंड में, तो हम ये मान के चलते हैं कि 27 नवंबर तक सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसमें। इसके बाद में तीन दिन के लिए रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए लगाए जाए हम इसमें, तो 30 नवंबर तक ये रिजल्ट आ सकता है एमसीसी के सेकंड राउंड का। जब 30 नवंबर तक एमसीसी के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ सकता है, तो हम यहां मान के चलते हैं कि 1 दिसंबर को रिजल्ट आ सकता है सेकंड राउंड का। 1 दिसंबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ सकता है और 8 दिसंबर तक ज्वाइनिंग डेट रह सकती है। 8 दिसंबर तक सेकेंड राउंड की ज्वाइनिंग डेट इसमें रह सकती है। इसके बाद जो सीटें वैकेंट रहती हैं वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होता है। ये सीटें जो वैकेंट रह के आती हैं एमसीसी से, वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं स्टेट के सेकंड राउंड में। तो इसके बाद ही स्टेट का सेकंड राउंड होता है। तो ये हो गए सेकंड राउंड के बारे में। अब 8 दिसंबर तक सेकंड राउंड की ज्वाइनिंग का टाइम लेते हैं, तो उसके बाद एमसीसी का मॉपअप राउंड होगा। तो इसमें जनरली सात दिन का फिर समय लगता है कॉलेजेस को एमसीसी को रिपोर्ट भेजने में, किन किन बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो वो 8 दिसंबर तक हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये भेज सकते हैं उसके बाद में। तो इसमें अगर हम माने तो ये 15 दिसंबर तक ये लिस्ट वगैरह भेजने के लिए एमसीसी के पास लिस्ट वगैरह भेजने के लिए कॉलेजेस को टाइम दिया जाता है। तो इसके बाद में स्टार्ट होता है मॉपअप राउंड। इसके बाद में एमसीसी का मॉपअप राउंड होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकंड राउंड 15 दिसंबर तक हो जाएगा। 15 दिसंबर तक सेकंड राउंड हो जाएगा। अभी जो मॉपअप राउंड है, इसके लिए हम 15 से 20 तक रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है, मॉपअप में फिर से होता है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, वो दोबारा कर सकते हैं, जिन्होंने किया है उनको जरूरत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 15 से 20 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे, और 21 और 22 दिसंबर तक ये रिजल्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा, और इसमें जो हम डेट मान के चल रहे हैं 28 तक इसकी ज्वाइनिंग डेट हो सकती है मॉपअप राउंड की। 28 तक ज्वाइनिंग डेट हो सकती है। तो इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो सकता है, होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कंडक्ट होगा वो 31 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट होने की संभावना है। ये सिर्फ संभावना जताई जा रही है। तो ये एडमिशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 हो सकती है इस साल के लिए। तो ये मैंने एक मोटा मोटा सा शेड्यूल का आपको आइडिया दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक आप अपना प्लान कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल का आइडिया है, ये पिछले एमसीसी के पिछले इयर्स के मुताबिक मैंने ये इस प्रकार से दिया है कि इतना टाइम रिजल्ट प्रोसेसिंग में लगता है, इतना टाइम ज्वाइनिंग के लिए लगता है। तो मैनुअली हम बात करें तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम देखें, तो ये सात दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाता है। हम मैनुअली तीनों राउंड में अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम होता है वो 7 डेज के लिए होता है, सेकंड में 5 डेज के लिए होता है, और मॉपअप में भी 5 डेज के लिए होता है। रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए यहाँ 2 दिन का समय लिया जाता है, और इसमें रिजल्ट डिक्लेयर के लिए 1 दिन का समय लिया जाता है, और ज्वाइनिंग के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये शेड्यूल रहता है एमसीसी का। तो एमसीसी के फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है,
एमसीसी के सेकंड के बाद में स्टेट का सेकंड राउंड होता है, ताकि जितने भी सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में सीट वैकेंट रही उनको स्टेट फिल कर सके। इसके बाद में एमसीसी का मोपअप होता है और स्टेट का मोपअप भी चलता रहता है साथ ही साथ। इसके बाद में जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं मोपअप के बाद में वो इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दी जाती हैं और उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बता दूं आपको कि जो गवर्नमेंट की स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनके लिए काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है स्टे वैकेंसी राउंड, और प्राइवेट की कंडीशन में इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर दी जाती हैं सीटें। इसी प्रकार से एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड में होता है, स्टे वैकेंसी राउंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें हैं वो कंसर्न्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, जैसे एम्स वगैरह की एम्स न्यू दिल्ली को कर दी जाती हैं ताकि वो सभी एम्स के लिए काउंसलिंग करवा सके। बीएचयू एएमयू और जो डेंटल रोहिणी में है उनको सबको अलग अलग ट्रांसफर कर दी जाती है, रोहिणी की काउंसलिंग वीएमएमसी द्वारा करवाई जाती है। तो इस प्रकार से ये काउंसलिंग शेड्यूल होता है और इस प्रकार से होता है कि इतने दिन रिजल्ट प्रोसेसिंग में लगेंगे, इतने दिन ज्वाइनिंग में लगेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई है कि इनकी ऐसे ऐसे हो सकती है। अभी जैसे ही ये काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, रिजल्ट आने के 7 या 8 दिन बाद में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एक ये मोटी मोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, तो इसके मुताबिक आप अपना प्लान कर सकते हैं आगे के लिए। तो लेते हैं नई जानकारी नए वीडियो में, मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।